नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी कुंडली में ग्रह अच्छे कौन से और बुरे कौन से हैं, लेकिन घर में छोटे छोटे वास्तु के परिवर्तन करने से आपका कौन सा ग्रह मजबूत हो सकता है, इसी कार्यक्रम में आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूं। शास्त्रों में घर पर वास्तु के कई वैसे तो नियम बताए गए हैं, और ये नियम अपनाते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि और संतुलित रहता है, और ये नियम ना हो तो ग्रह और वास्तु दोष दोनों ही उत्पन्न हो जाते हैं। पहली बात करते हैं सूर्य की। सूर्य वास्तु में ईस्ट डायरेक्शन, यानी सूर्य उदय होते हैं तो पूर्व की तरफ से, तो पूर्व दिशा में खिड़की होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, पूर्वी दिशा खुली होनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, ऐश्वर्य व्यक्ति को मिलता है और तेजस्विता प्रदान करता है। अब घर में अगर ईस्ट डायरेक्शन आपका बिल्कुल बंद है, खिड़की दरवाजे नहीं है, तो उस घर के स्वामी को कई तरह की तकलीफें मिलेगी, और ईस्ट डायरेक्शन खुला है तो उस घर के इंसान को जो रहते हैं उन्हें मान सम्मान मिलता है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र आपको कई तरह के लग्जरी चीज़ें देते हैं, शुक्र ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जिस घर में दक्षिण और पूर्व यानी आग्नेय कोण, वहां पर अगर आपकी रसोई है, बिजली के सामान है, वो जगह हमेशा साफ सुथरी रहती है तो शुक्र आपके मजबूत रहेंगे, उस घर में लग्जरी प्रोडक्ट रहेंगे, और ऐसा नहीं है तो आपके ऐश्वर्य में कमी आएगी। तीसरे हैं मंगल। दक्षिण दिशा इनके अधीन है, इस दिशा के देवता यम है, यानी यमराज की दशा है। अब घर में अगर शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं, महिलाएं मंगल सूत्र पहनती है, आपको पूछूं आप कैसे हैं तो आप कहेंगे आनंद मंगल है, तो मंगल ग्रह बहुत शुभ है। मंगल ग्रह सबस प्रकार के साहस और निडरता प्रदान करते हैं, ये युद्ध लड़ाई झगड़ा क्रोध के अधिपति है। ये डायरेक्शन अगर साउथ का आपका बहुत सही है तो आप मुकदमे में जीतेंगे, आरामदायक जिंदगी जिएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दी आयु का जाने का यानी अज्ञात भय जो हमारे को मृत्यु का रहता है वो इससे खत्म हो जाएगा। इस डायरेक्शन में बाथरूम और वेयर हाउस होना चाहिए। अगला ग्रह है राहु। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नैऋत्य कोण के स्वामी ग्रह राहु है, और इस डायरेक्शन की देवी आसुरी शक्ति वाली है। घर में भूल कर भी इस डायरेक्शन को हल्की और खुला न रखें, क्योंकि इस डायरेक्शन में बेडरूम, ऑफिस, बाथरूम, स्टोर बनाना लाभदायक रहता है, परंतु इसको खुला ज्यादा नहीं रखना चाहिए। इससे कई तरह की आसुरी शक्तियां, तंत्र प्रयोग, जादू टोना नजर लग जाती है। अगले ग्रह है शनि। वेस्ट डायरेक्शन को लाभ और प्रसन्नता की डायरेक्शन मानी जाती है, क्योंकि इस डायरेक्शन के ग्रह शनि और देवता वरुण देव है। शनि ग्रह भाग्य, कर्म, यश तथा पौरुष संबंधित कार्यों के कारक है। इस डायरेक्शन को हमेशा साफ रखना चाहिए, और आप यहां पर ड्राइंग रूम, बेडरूम, लाइब्रेरी बनवा सकते हैं। अगले ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा वायव्य दिशा के स्वामी है और वायु देव का स्थान है। यह शांत चित्त और भाग्य का अधिपति ग्रह है। मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग बनाते हैं, शारीरिक रूप से आपको स्ट्रांग बनाते हैं, संपत्ति और माता के कारक है। वायुदेव हमें शक्ति, प्राण, स्वास्थ्य के साथ साथ दीर्घ आयु जीवन भी देते हैं। सामाजिक जीवन और व्यापार पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इस डायरेक्शन में डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, विवाह योग्य कन्याओं और पुरुषों का कमरा, बिना टॉयलेट के बाथरूम होना शुभ माना जाता है। और वायव्य कौन कौन सा होता है, वो होता है उत्तर और पश्चिम का स्थान। अगले ग्रह की बात करते हैं, वो है केतु। केतु मंगलवत फल देते हैं। केतु का सिंबल है फ्लैग। जब भी आपको विजय प्राप्त करनी है किसी भी काम में, तो अपने घर का पूर्व और पश्चिम का स्थान हमेशा साफ रखिए और हल्का रखिए, आपको केतु हमेशा विजय दिलाते रहेंगे। अगला ग्रह है बुध। यह ग्रह उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं और इस दिशा के देवता कुबेर है। बुध वाक चातुर यानी जुबान के अधिपति हैं और विद्वता प्रदान करते हैं, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं। जिस घर में नॉर्थ डायरेक्शन साफ सुथरा रहता है वहां शुभता रहती है। वहां के लोग अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, लेखन कविता में रुचि रखने वाले लोग होते हैं, इसीलिए इस डायरेक्शन में स्टडी रूम, लाइब्रेरी और वहां पर बैठकर ध्यान और चिंतन करते हैं तो आनंद मिलता है। अगले ग्रह है गुरु। यह उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण के स्वामी है और विष्णु देव इस दिशा के देवता है। गुरु ईश्वरीय तेज और आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं। बौद्धिक विकास और बौद्धिक शांति के लिए तथा ईश्वर की कृपा पाने के लिए इस डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा हल्का रखें। इस डायरेक्शन में पूजा स्थान बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। या हमेशा लाइट रहनी चाहिए या शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो उस घर में बृहस्पति से संबंधित दोष नहीं लगते, क्योंकि बृहस्पति आपकी शिक्षा, धन कमाना, विवाह और संतान के अधिपति है। तो आप अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं छोटे छोटे वास्तु टिप्स अपनाकर। मैं चाहता हूं प्रिय साथियों,
कि आप इन्हें अपनाएं और लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों का भी कल्याण हो सके। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान है, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।